सुनाओ, हम रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बट हमने इंडिविजुअली नहीं पढ़े हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जो फर्स्ट और मेजर डिसऑर्डर है, सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? कितने लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? दो। हम मतलब मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो बोलते हैं। एक्चुअल में एनाटॉमिकल बात करें तो कितने लोब हैं? थ्री। थ्री, ठीक है। दो ये और एक स्मॉल सा लोब बीच में, ये वाला कौन सा है? एंटीरियर ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। और ये वाला? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। और ये वाला? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लोब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? एच FSH, ठीक है। एच LH, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? एसीटीएच ACTH। वी ऑलरेडी डिस्कस इट, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, ACTH हमने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो भी स्टिमुलेटिंग वर्ड जहां पे आता है वो रिलीज होते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और जिन हार्मोन के नाम में रिलीजिंग वर्ड आता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस। इंटरमीडिएट लोब कौन? यस, MSH इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रिकर्सर कौन सा है? प्रोपियोमिलानोकॉटिन, ठीक है। प्रोपियोमिलानोकॉटिन इज प्रिकर्सर ऑफ MSH एंड ऑल्सो ACTH एंड अदर। हमारे पास इंपॉर्टेंट है टायरोसिन अमाइनो एसिड, दिस इज प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हार्मोन, सो T3 एंड T4 एंड ऑल्सो यस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अगर गलत हो गया तो क्या हो गया? कॉन्फिडेंस से आंसर तो दो, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है और कौन से हार्मोन रिलीज करती है? सिक्रीट दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्रीट सिक्रीट करती है और रिलीज करती है, तो ये स्टोर करती है और रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन एंड ADH को किस नाम से जानते हैं? बेस्ट ठीक है, दिस इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो एक मेजर डिसऑर्डर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। क्या होगा इसमें? प्रोलैक्टिन क्या है, बढ़ जाता है। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होने के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? कब प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होता है? अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकली, दो टर्म्स आती हैं, यस, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि समवेयर नॉर्मल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, एंड पैथोलॉजिकल का मतलब है कि डिजीज कंडीशन पक्का प्रेजेंट है। तो फिजियोलॉजिकल इंक्रीज हमें देखने को मिलता है इन लैक्टेशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। एंड अगर हम बात करें तो स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप भी प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस भी प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। एंड अगर ट्यूमर ऑफ
पिट्यूटरी हो गया, जिसको हम बोलेंगे पिट्यूटरी एडिनोमा। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, मीन्स यहाँ पे ये नॉर्मल है, कोई डिजीज कंडीशन को नहीं बता रहा है। स्ट्रेस भी, दिस स्ट्रेस ऑल्सो इंक्लूड इन फिजियोलॉजिकल, क्योंकि डेली लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हम सभी को होता है, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर एंड पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, एंड देन कुछ ड्रग्स, किसी ड्रग के इनटेक की वजह से लेवल इंक्रीज होता है, एंड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कौन सी ड्रग है? सिमेटिडिन। सिमेटिडिन बिलोंग्स टू विच क्लास? दिस इज एंटासिड और H2 एंटागोनिस्ट। यस, और एक और आपने देखा होगा साइकेट्रिक प्रॉब्लम में हम एक ड्रग देते हैं जिसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन का लेवल हमें ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज कौन सी एंटी साइकोटिक ड्रग है? मेटोक्लोप्रामाइड। जब हम एंटी साइकोटिक्स पढ़ते हैं तब भी हम पढ़ते हैं। एंड वन थिंग हॉर्मोन विच इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल इनडायरेक्टली इज एस्ट्रोजन। ब्रोमोक्रिप्टिन नहीं, इसको हम एंटी साइकोटिक्स में भी देते हैं। मैंने, ठीक है, एक बार मैं बुक में इसको चेक करूंगी जिस बुक से मैंने डाटा दिया है, कोई और फैक्टर होगा या तो, ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टिन तो हम देते हैं टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन के लेवल को डिक्रीज करने के लिए। ओके, वन सेकेंड, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। हॉर्मोन नोट कर लो, ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, इसको मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था। जब ड्यू टू एंटी साइकोटिक्स लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है तब हम मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो एक कॉज है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन जब हम एंटी साइकोटिक की ट्रीटमेंट देते हैं, एंड विद एंटी साइकोटिक्स, एंटी साइकोटिक्स हमें पता है जो हमारा डोपामिन का लेवल है, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल है, एसिटाइल कोहलीन का लेवल है, उसको डिक्रीज करती है, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जब ड्यू टू एंटी साइकोटिक्स के यूज की वजह से प्रोलैक्टिनेमिया हो रहा है तो उसमें ट्रीटमेंट में हम देंगे मेटोक्लोप्रामाइड। यस, एंड मेटो क्लोप्रामाइड बिलोंग्स टू विच क्लास? हाँ, बेसिकली ये डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है।
डोपामिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमने आई गेस पहले पढ़ा है जितना मुझे याद है। डोपामिन के दो रिसेप्टर्स मैंने आपको बताए थे, D1 एंड D2। मेटोक्लोप्रामाइड जो इफेक्ट करती है वो D2 पे इफेक्ट करती है, तो दिस इज D2 विच इज डोपामिन रिसेप्टर। एंटागोनिस्ट, तो जब हम एंटीसाइकोटिक्स लेंगे तो लेवल ऑफ जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलाइन का लेवल डिक्रीज होता है और डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मेटोक्लोप्रामाइड इज G2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो दीज आर द कॉजेज विच इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होगा तो हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या देखने को मिलेंगी? एक तो एमेनोरिया, दिस इज द कॉज कि जब भी फीमेल प्रेगनेंसी में होती है या फिर लैक्टेशन पीरियड में जब होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की वजह से हमें एमेनोरिया देखने को मिलता है। एमेनोरिया मींस अच्छा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड इज ग्लेक्टो ग्लेक्टोरिया, ग्लेक्टोरिया मींस मिल्क सिक्रेशन, तो ये तो देखने को मिलेगा हमें फीमेल में। मेल में क्या देखने को मिलेगा? यस, गायनेकोमेस्टिया। और अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक हाई लेवल रहेगा तो इट कॉज इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी हमें देखने को मिलेगी बोथ मेल में भी और फीमेल में भी। एक और बात आपको याद रखनी है, जब हम इनफर्टिलिटी वर्ड यूज करते हैं इट मीन्स, इनफर्टिलिटी वर्ड से आप क्या समझते हैं? अनेबल अनेबल टू कंसीव, अनेबल टू कंसीव और ठीक है, यस। तो इनफर्टिलिटी वर्ड हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर फीमेल्स, और अगर मेल इनफर्टाइल हो तो उनको हम टर्म देते हैं स्टराइल, ठीक है। स्टराइल टर्म हम यूज करते हैं फॉर मेल, ठीक है। एंड सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज होगी, मीन्स लॉस ऑफ लिबिडो। वर्कअप जब हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें रिपोर्ट में क्या देखने को मिलेगा? सीरम प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज। और जब हमें सीरम प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा तो उसके बाद हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे? MRI ऑफ ब्रेन टू चेक पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज MRI फॉर देन रूल आउट करेंगे कि पिट्यूटरी में ट्यूमर है इसलिए प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है या कोई और कॉज है। अगर इसकी वजह से नहीं है तो जो हमने कॉजेस देखे वहां पे जाएंगे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है तो हमें वैसे ही पता है, स्ट्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस में भी हॉर्मोनल इम्बेलेंस देखने को मिलता है, ड्रग्स का यूज देखेंगे और ईस्ट्रोजन का लेवल देखेंगे। सो नाउ हमें देनी है ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम? यस, ब्रोमोक्रिप्टिन। और ये आपने देखा होगा कि अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कई बार आपने देखा होगा कि फीटल डेथ होती है या फिर अबॉर्शन हो जाता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल रिड्यूस करने के लिए हम फीमेल्स को ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। सेकेंड ड्रग हम देते हैं कैबरबोलिन। ये तो है, अगर डिलीट क्यों हो रहा है? ओके,
और अगर कॉज पिट्यूटरी कैडिनोमा है तो कैसे ट्रीट करेंगे? ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी हमारे पास? सर्जरी रहेगी। और सर्जरी का क्या नाम है? यस, ट्रांस स्फेनोइडल। पिट्यूटरी को हम किस नाम से जानते हैं? हाइपो फाइसिस। तो यहां पे हम करेंगे हाइपो फाइसेक्टमी। एंटीरियर लोब को हम किस नाम से जानते हैं? एडीनोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, तो पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स में हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया ही रहा था जो हमने इंडिविजुअली डिस्कस नहीं किया था। अदर कॉजेस में अगर हम बात करें कि लो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, तो वो हमें कब देखने को मिलता है? ड्यू टू एनी रीजन पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। और दो ये हो क्या रहा है? दो कॉजेस, दो वहां पे स्लाइड्स, मतलब कि यहाँ वहां पे ऐसे नहीं हो रहा था, कट हो जा रहा था बीच में। कल से वर्ड पे करेंगे अब इसको, यहाँ पे तो कंप्लीट करें। लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन डिक्रीज है। चलो, जितना अभी तक डिस्कस किया सभी ने नोट कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैम एक बार बैक स्क्रीन शो कर दीजिए। जल्दी से नोट डाउन कर लो। ट्रीटमेंट ब्रोमोग्रिप्टिन देंगे, कैबरपोलिन ड्रग देंगे एंड ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी, सर्जरी करेंगे इफ यस कॉजेस ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन डिक्रीज, लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है ये क्या बताता है? ड्यू टू एनी रीजन पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं या नेक्रोसिस हो चुकी है। यहाँ पे हमने दो सिंड्रोम्स पढ़े थे, वन इज रिलेटेड टू ऑब्स्टेट्रिकल कॉज एंड वन इज नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉज। जल्दी से बताओ नाम। शिहान सिंड्रोम पढ़ा था, शिहान्स में क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही थी? मैम पोस्टपार्टम नेक्रोसिस हो रहा है इसमें। यस, ऑब्स्टेट्रिकल कॉज की वजह से पिट्यूटरी का नेक्रोसिस हो रहा था। सो पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, जब पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस होगा तो कौन से हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा? ऑब्स्टेट्रिकल कॉज। नेक्रोसिस स्पेसिफिकली किसी एक हार्मोन को तो डिक्रीज करेगा ही, ठीक है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा शिहान सिंड्रोम में लेवल ऑफ ऑल द पिट्यूटरी हार्मोन डिक्रीजेस, डिक्रीज ऑल हार्मोन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो वो सेल्स कोई भी हार्मोन नहीं बना पाएंगे, चाहे वो FSH है, LH है, ग्रोथ हार्मोन है या फिर TSH है। सेकेंड कॉज हमने पढ़ा था दैट वॉज सिमोन्स। यहां पर भी नेक्रोसिस हो रहा था बट कॉज इज नॉट रिलेटेड विद एनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और
अदर ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम. सो पिट्यूटरी डैमेज ड्यू टू नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉज. यहां पे भी लेवल ऑफ हॉर्मोन्स क्या होगा? तो दोनों में हमें कंडीशन देखने को मिल रही है जिसको हम बोलते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरीज्म. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म? इन बोथ साइमन्स सिंड्रोम एंड शिहान्स सिंड्रोम हमें जो कंडीशन देखने को मिल रही है उसको हम टर्म यूज करते हैं पैन हाइपो क्यों. मैंने इस ये एक वर्ड है ठीक है, आपने कॉन्टिन्यूटी में लिखना है. मैंने गैप दिया. पैन का मतलब है ऑल, हाइपो का मतलब है डिक्रीज, पिट्यूटरीज्म का मतलब है पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स. तो पिट्यूटरी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो कम देखने को मिलेंगे क्योंकि पिट्यूटरी के सेल्स का नेक्रोसिस हो रहा है. कौन कौन से हॉर्मोन हमें कम देखने को मिलेंगे प्लीज लिस्ट करवा दो एक बार. ACTH, ग्रोथ हार्मोन, FSH, यस, LH, TSH और वैसोप्रेसिन और ADH कम देखने को मिलेगा. ऑक्सीटोसिन मैम, तो फिर इसमें चाहे वो सिक्रीट हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर, मतलब डैमेज में दोनों ही चीजें डिसफंक्शन हो जाएंगी? नहीं, डैमेज में एडीएच और ऑक्सीटोसिन का लेवल कम नहीं देखने को मिलेगा. व्हाई? क्योंकि इनको यस ये स्टोर हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रही है. अगर पिट्यूटरी इतनी डैमेज हो चुकी है कि इनको स्टोर भी नहीं कर पा रही है तो हाइपोथैलेमस इनको डायरेक्टली सिक्रीट कर देगी इनटू ब्लड. तो ये आपको याद रखना है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन नॉट डिक्रीज. अगर क्वेश्चन आता है कि इन पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन ब्लड एक्सेप्ट एसीटीएच दिया है, ग्रोथ हार्मोन एंड टीएसएच दिया है एंड फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीटोसिन है, तो आंसर वुड बी. आपको याद रखना है कि ये दोनों डिक्रीज नहीं होंगे, इनका लेवल हमें नॉर्मल मिलेगा. इज इट क्लियर? यही तो ट्विस्ट है, और तो कुछ याद नहीं रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. दो बातें याद रखनी है कि शिहान्स सिंड्रोम में प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और सिमोन्स में नॉट रिलेटेड विद गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू एनी अदर रीजन. मान लो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया, इतना प्रेशर हो गया कि ब्रेन का जो सेरेब्रल है सेरेब्रल एडीमा हो गया. उस सेरेब्रल एडीमा की वजह से प्रेशर पड़ेगा सभी ग्लैंड्स पे, हाइपोथैलेमस पे भी, पीनियल ग्लैंड पे भी और पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी. इफ दैट प्रेशर इज एक्सीड टू अ टाइम पीरियड उसकी वजह से सेल्फ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो द कॉज इज नॉट रिलेटेड टू ऑब्स्टेटिक्स. नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, बट इंसुलिन थेरेपी में हमारे पास सोमोबोई फिनोमिना एंड डाउन फिनोमिना है, वो स्किप हो गया था. तो इंसुलिन थेरेपी, आप सभी को इंसुलिन थेरेपी में पता है ना, एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं एंड लॉन्ग एक्टिंग होती है. निमोनिक मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट एक्टिंग है उनके एस हाईलाइट होगा, लाइक एस पार्ट लिस प्रो. जो लॉन्ग एक्टिंग है उनमें लॉन्ग को हमने रिकॉग्नाइज और थोड़ा सा मेमोराइज रखने के लिए साइनोनाइम किया था विद डिस्टेंस और लार्ज. तो वो वाली ड्रग्स स्टार्ट होगी विद टी और ए क्या, दैट इज ग्लाजिन, जिसमें सेंटर में ही लार्ज आ रहा है. ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है. इंसुलिन थेरेपी जब हम देते हैं तो हमें दो फिनोमिनन देखने को मिलते हैं पेशेंट में. एक है हमारे पास बेसल इंसुलिन एंड एक है बोलस इंसुलिन. नाम से ही समझ आ रहा है, बोलस मतलब
नहीं, बोलस जब हम बोलते हैं कि इसको बोलस लगा दो, मतलब मैम एकदम से दे देना। यस, एकदम तो दैट इज नॉट ज्यादा या फिर नॉट एक्सेसिव, दैट इज रैपिड एक्ट करेगी, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप कुछ बोल रहे हैं? मैम रैपिड एक्टिंग ये यस, बता। बोलस का मतलब है कि आप रैपिडली इन्फ्यूज करो और रैपिड इसका हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो बोलस इंसुलिन हम किन को बोलेंगे जो शॉर्ट एक्टिंग है, और दो ही टर्म्स हैं, एक है बोलस और एक है बेसल। अगर शॉर्ट एक्टिंग बोलस है तो बेसल कौन सी होंगी? विच आर लॉन्ग एक्टिंग। अब देखो, जो बोलस है वो क्या करवाएंगी, शॉर्ट एक्टिंग है तो ये कंट्रोल करेंगी पोस्ट प्रांडियल शुगर लेवल। आपने अभी मील ली, खाना खाने के बाद आपका शुगर एकदम से हाई जाएगा, उसके लिए हम देते हैं शॉर्ट एक्टिंग की। एक्ट कर देती है अपना काम, ये कर देती है स्टार्ट विद 15 to 20 minutes, तो ये कंट्रोल करती है पोस्ट प्रांडियल शुगर। लॉन्ग एक्टिंग किसको कंट्रोल करेंगी? लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है ये धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होंगी, ठीक है। जब इनकी अमाउंट धीरे धीरे रिलीज होगी तो ये ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहेंगी, दैट्स व्हाई हम इनको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग, ज्यादा टाइम तक और लंबे समय तक एक्ट करेंगी। तो ये कंट्रोल करती है हमारी फास्टिंग शुगर। इज इट क्लियर टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम, अब यस मैम। काम कैसे करती हैं ये, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। तो होता क्या है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है हम इनको टाइम फिक्स होता है, या तो अर्ली मॉर्निंग दे देंगे तो ये पूरा दिन काम करेगी, रात को खाना खाया तो रात का शुगर लेवल मेंटेन रहे मॉर्निंग तक, तब आफ्टर डिनर हम क्या देंगे, अगेन लॉन्ग एक्टिंग, तो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होगी और सुबह पर हमें हाइपरग्लाइसीमिया ना देखने को मिले, दिस इज आर गोल। बट होता यहाँ पे कुछ उल्टा है। तो बेसिकली होता क्या है, मान लो आपने दी नाइट डोज ऑफ इंसुलिन, जैसे ही हमने नाइट डोज ऑफ इंसुलिन दी तो स्टार्टिंग में तो हमें इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट धीरे धीरे जैसे ये ब्लड में रिलीज होगी तो मिड नाइट में हमें देखने को मिलेगा इनका स्पाइक इफेक्ट, जिसकी वजह से देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया अबाउट 2 to 3 AM, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, बॉडी एक्ट करेगी टू कंट्रोल दिस। कौन से हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी डाला था, जल्दी से बता दो। आंसर की भी आपके पास पहुंच चुकी है, ग्लूकागॉन होगा, ठीक है, ताकि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए, कॉर्टिसोल होगा एंड एपिनेफ्रिन होगा। बॉडी स्ट्रेस में गई ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया तो एपिनेफ्रिन सिक्रीट होगा। तो बेसिकली ये हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू एक्ट ऑफ दीज हॉर्मोन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइसीमिया। तो अर्ली मॉर्निंग हमें देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया, एंड दिस हाइपरग्लाइसीमिया इज नोन एज रीबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया, सॉरी रीबाउंड हाइपर ग्लाइसीमिया। एंड यस, इस फिनोमिनन को हम टर्म देते हैं सोमोगोई इफेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। दो बातें याद रखनी है, सोमोगोई इफेक्ट में पहले हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, देन हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सोमोगोई फिनोमिनन, और सोमोगोई फिनोमिनन में हमें रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इट मींस हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है।
ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जब हम बोलस इंसुलिन देते हैं तो कंट्रोल करती है पोस्ट प्रांडियल शुगर लेवल। इसमें ये वर्क कैसे करेगी, जैसे ही हमने नाइट डोज ऑफ इंसुलिन दी, स्टार्टिंग में तो ये लेवल को डिक्रीज करेगी, ठीक है, किसके ब्लड शुगर के लेवल को। अर्ली मॉर्निंग इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया। तो अर्ली मॉर्निंग हाइपर ग्लाइसीमिया अराउंड 5 AM to 6 AM, एंड इसको हम नाम देते हैं डाउन फिनोमिना। डाउन फिनोमिना डिफरेंस क्या है, दोनों में अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, बट सोमोगोई में पहले हाइपोग्लाइसीमिया और फिर हाइपरग्लाइसीमिया। इस हाइपरग्लाइसीमिया को दैट्स व्हाई हम बोलते हैं रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया इज सीन विद, तो आंसर वुड बी, क्वेश्चन आता है कि अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया इज सीन विद, आंसर वुड बी डा अर्ली मॉर्निंग। इसको हम स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग ही बोलते हैं। अगर आपको सोमोगोई फिनोमिना पूछा या तो नाम रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया दिया होगा, या तो स्टेटमेंट में दिया होगा कि मिडनाइट में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, ठीक है। अगर एक्सेप्ट अर्ली मॉर्निंग ही बोला है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस डाउन फिनोमिना होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन यस ऑनलाइन? मैम, यस मैम, मैम डॉन फिनोमिनन में जो है हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा पहले? नहीं इसमें नहीं होगा, यही तो डिफरेंस है। सोमोगोई में ओके पहले हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, और डाउन में हमें डायरेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको ट्रीटमेंट की बात बताऊं तो हम इसमें डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं, और सोमोगोई फिनोमिनन में जो हमारी डोज ऑफ इंसुलिन है हम दे रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो अगर ट्रीटमेंट आपसे पूछी जाए तो रिड्यूस द इंसुलिन डोज, कौन सी, नाइट इंसुलिन, रिड्यूस द नाइट टाइम इंसुलिन डोज सो दैट मिड नाइट हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ऑन द अदर हैंड साइड डाउन फिनोमिनन में अगर ट्वीट बात करें तो इंक्रीज द नाइट टाइम डोज इंसुलिन डोज। दिस इज ऑल अबाउट द सोमोगोई एंड डाउन फिनोमिनन। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम, अब देखो अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फ्रेम करें अगर हम, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप सर्जिकल वार्ड में हैं और आप केयर दे रहे हो एक पेशेंट को हु इज डायबिटिक, ठीक है। आप नोट डाउन करते हो कि पेशेंट को सोमोगोई फिनोमिनन देखने को मिल रहा है, सो व्हाट इज योर इंटरवेंशन एज अ नर्सिंग ऑफिसर। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है टू रिड्यूस द इंसुलिन डोज, सेकंड है टू इंक्रीज द इंसुलिन डोज, थर्ड है मॉनिटर द नाइट टाइम ब्लड शुगर लेवल, एंड फोर्थ है टू नॉट गिव द इंसुलिन डोज और स्किप द इंसुलिन डोज एट नाइट। तो आपका आंसर होगा रिड्यूस इंसुलिन इंसुलिन डोज को विदाउट फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन नहीं ऑल्टर करेंगे। यस, तो हम कौन सा करेंगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, जो नर्सिंग प्रोसीजर्स में आता है दैट इज मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल एट नाइट। इज इट क्लियर? इंसुलिन की डोज कम या ज्यादा करनी है तो हम डॉक्टर को बताएंगे कि पेशेंट इस फिनोमिनन से जा रहा है, वो ऑल्टर करेंगे तब हम देंगे, ठीक है। इंसुलिन एक बहुत ही सेंसिटिव ड्रग है, उसको हमने खुद से ज्यादा कम या स्टॉप नहीं करना है। आप जस्ट इतना कर सकते हो कि ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना है नाइट में, और अगर मोर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो 2 आवरली,
ठीक है, आपको पता है पेशेंट को सोमोग्राफी फिनोमिना हो रहा है और मान लो ऑन ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो 2 आवरली आपने कॉन्टिन्यूसली सुबह तक ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है। तो आप देख सकते हो अगर मान लो हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा हो रहा है, लिमिट्स कितनी है हमारी जब इमरजेंसी हो जाती है, लेस देन 70 mg/dL भी हमें देखने को मिल रहा है, तो हम पेशेंट को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं जो हमने देखा था, लाइक बिस्किट दे दो आप, ग्लूकोज दे दो, ठीक है, वैसे कंट्रोल करना है, इंसुलिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं, इसके लिए इंसुलिन के लिए सिग्नेचर चाहिए होते हैं नीचे, ऑन कॉल भी नहीं चाहिए। अब वो उसमें हम यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जो वार्ड्स में आपस में वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। यस, इज इट क्लियर टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो मुझे आपको बताना है, आपने देखा होगा कि हम 2 डोज को मिक्स करते हैं, ठीक है, उसमें हमारी होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और एक है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट में हम लेते हैं NPH, रैपिड में हम लेते हैं नॉर्मल रैपिड पूछ रही हूँ मैं अपनी रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, एनालॉग पूछा है तो एस्पार्ट जाएगी, बट वो छोड़ दो। जस्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ से वो ऐसे आता है कि पहले कौन सी वाली को फिल करेंगे, तो कौन सी वाली को फिल करेंगे? यस, रेगुलर को फिल करेंगे। अब प्लीज सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी अटेंशन देंगे। जो हमारा इंसुलिन दोनों को मिक्स करना है, तो फिल करने का जो क्राइटेरिया है वो कैसे है, दोनों वाइल्स को हम लेंगे। एनपीएच में क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं ताकि स्लोली स्लोली रिलीज हो और लॉन्ग टाइम तक इंसुलिन वर्क करे, ठीक है। तो इसको जब भी हम फ्रीजर से निकालेंगे, अगर आपसे पूछा भी जाए कि क्रिस्टल दिख रहे हैं या क्लाउडी दिख रही है, तो आपने शेक करना है, तो आंसर वुड बी हमने शेक नहीं करना है, बट फिल करने से पहले हमने पाम के बीच रोल करना है। दोनों में डिफरेंस है, शेक वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है, हम रोल करेंगे। सेकंड, एनपीएच को हम सेकंड नंबर पर फिल करते हैं इंसुलिन को सिरिंज में, और रेगुलर को फर्स्ट नंबर पर फिल करते हैं, बट हम सिरिंज लेंगे एनपीएच इंसुलिन ली, हमने रोल किया इसको, ठीक है, इसके क्रिस्टल और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो गए। आफ्टर दैट जितनी हमने एनपीएच की डोज रिक्वायर्ड है, मान लो एज पर यूनिट्स हमारे पास 20 यूनिट्स हमें चाहिए, ठीक है, 20 ज्यादा हो गया, 7 चाहिए हमें, ठीक है, 7 यूनिट्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमें चाहिए 7 तक एयर भरेंगे सिरिंज में। आफ्टर दैट एनपीएच और रेगुलर का जो वायल होती है उसका जो ऊपर का होता है ना, अः क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग, हाँ, तो उसको स्पिरिट स्वैब से क्लीन करना है एवरी टाइम फिलिंग द इंसुलिन विद सिरिंज, तो उसको क्लीन करना है। आफ्टर दैट हमने 7 यूनिट्स तक एयर इसमें डाल देनी है और सिरिंज को निकाल लेना है खाली विदाउट फिलिंग। आफ्टर दैट रेगुलर में भी सेम, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी एयर हमने डालनी है और इसको फिल कर लेना है, ठीक है। एनपीएच वाली में हमने एयर डाली है तो उसकी वजह से उतना प्रेशर बन गया होगा, अब हम सरिंज लगाएंगे एनपीएच में और उसको जैसे ही टिल्ट करेंगे तो जितना प्रेशर होगा और 7 यूनिट्स एनपीएच हमारी सरिंज में आ जाएगी। इन दैट वे हम मिक्स करेंगे और पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे भी देनी है फ्लूड में देनी है और लाइक दैट। जो 2 बातें याद रखनी है कि एनपीएच को शेक नहीं करना है, रोल करना है, फर्स्ट पे रेगुलर को फिल करना है, क्योंकि अगर एनपीएच को फिल करेंगे, रेगुलर कैसी दिखती है ये क्लियर होती है, और एनपीएच क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्मॉल, ठीक है, और क्लाउडी अपियरेंस होती है, तो अगर इसके क्रिस्टल्स रेगुलर में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली रेगुलर रैपिड एक्टिव है, और वी नो दैट इमरजेंसी में हम रेगुलर इंसुलिन को यूज करते हैं, अगर इसमें क्रिस्टल चले जाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, स्लो एक्ट करना स्टार्ट करेगी क्रिस्टल्स आगे, तो क्योंकि क्रिस्टल्स की वजह से इंसुलिन
स्लो ब्लड में रिलीज होती है। इमरजेंसी में मान लो रेगुलर दे दी आपने, अपनी तरफ से तो दे दी, बट अगर उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट है तो इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। और ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, जो भी हाइपरग्लाइसीमिया की लाइक डायबिटीज किटोएसिडोसिस में कॉम्प्लिकेशंस हैं, दैट इवन लीड्स पेशेंट टू डेथ। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन थेरेपी।